हेलो फ्रेंड्स, मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि जायफल बच्चों के लिए, बच्चों की सेहत के लिए जायफल फायदेमंद है या नुकसानदायक, यानी कि बच्चों को जायफल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। यदि बच्चों को जायफल देते हैं तो क्या उनके सेहत के लिए अच्छा है या उनके सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बच्चों को जायफल देना चाहिए या जायफल नहीं देना चाहिए। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे रेड कलर का आपको बटन मिलेगा, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जो भी नई वीडियो लाऊंगी वो आपको सबसे पहले मिलेगी। तो सबसे पहले बात करते कि जायफल बच्चों को देना चाहिए कि नहीं, या देना भी चाहिए तो किस मौसम में बच्चों को जायफल देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यदि बच्चों को आप जायफल देते हैं तो बच्चों को जायफल देने से पहले जानना है कि मौसम, किस मौसम के अनुसार आप बच्चों को जायफल दे रहे हैं, क्योंकि बच्चों को जायफल देने से पहले मौसम का ये करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यदि आप गर्मी में बच्चों को जायफल देते हैं, यानी कि छोटे बच्चों को जायफल दे जाता है, तो यदि गर्मी के मौसम में बच्चों को जायफल खिला सकते हैं तो बच्चों को सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है यदि आप ज़्यादा देते हैं तो। क्योंकि जायफल जो होता है गर्म होता है तो बच्चे उतना बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे गर्मी, इसलिए गर्मी के मौसम में जायफल नहीं देना चाहिए। यदि आप गर्मी के मौसम में बच्चों को जायफल देते हैं तो उनको सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि जायफल बहुत गर्म होता है। खास करके जायफल का प्रयोग ठंड के मौसम में ही किया जाता है, तो इसलिए जायफल को गर्मी के मौसम में बच्चों को नहीं देना चाहिए। यदि गर्मी के मौसम में बच्चों को खांसी जुकाम, छोटे बच्चों के यानी कि नवजात शिशु के बारे में बात कर रही हूँ, जब सर्दी खांसी जुकाम हो गया तो आप थोड़ी सी मात्रा में जायफल दे सकते हैं, ज़्यादा मात्रा में आपको नहीं देना है। वो भी एक टाइम आप दे सकते हैं, क्योंकि ठंड के मौसम में हम लोग 2 से 3 बार दे देते हैं। लेकिन गर्मी के मौसम में यदि ज़्यादा परेशानी, जैसे ज़्यादा खांसी हो गया, जुकाम हो गया है, तो आप एक बार दे सकते हैं। ठंडे के मौसम में तो ऐसे हम लोग 2 से 3 बार 4 बार भी दे देते हैं, तो इससे कोई नुकसान नहीं है। तो गर्मी के मौसम में बच्चों के आप जायफल देते हैं तो उनके सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। तो फ्रेंड्स, यदि ठंड के मौसम में हम जायफल बच्चों के खिलाते हैं, छोटे बच्चों के यानी 0 से लेकर 1 साल तक बच्चों को जायफल दे सकते हैं। ऐसे तो सभी जायफल का सेवन कर सकते हैं, सभी जायफल खा सकते हैं, बड़े छोटे सभी के लिए अच्छा होता है। लेकिन खास करके बेबी को जायफल दिया जाता है, छोटे बच्चों को, तो 0 से लेकर 1 ईयर के बच्चों को देते हैं तो उन्हें जायफल कैसे देना चाहिए। खास करके मैं पहले बता दी आपको कि ठंड के मौसम में ज़्यादातर बच्चों को जायफल देते हैं। तो फ्रेंड्स, जायफल आपको देना है, जैसे कि आप जायफल, एक जायफल है उसको आपको अच्छी तरह से घिस लेना है। जी हाँ दोस्तों, आप जायफल को अच्छी तरह से घिस कर उसको थोड़ी सी घिसना है, आपको ज़्यादा नहीं। आप सरसों तेल डालकर, थोड़ी सी सरसों तेल आपको डालकर जायफल को अच्छी तरह से घिस लेना है। उंगली के सहारे से थोड़ी सी आपको बच्चों को जीभ पे डाल देना है, चटाना है। आप ठंड के मौसम में 2 से 3 बार बच्चे को चटा सकते हैं। इससे फायदा क्या है बच्चों के सेहत के लिए, कि बच्चों के सर्दी हुआ है, जुकाम हुआ है, नाक से बहुत पानी गिर रहा, बहुत ज़्यादा जुकाम हो गया, बहुत ज़्यादा सर्दी हो गया है, बच्चा बहुत कफ हो गया है, ज़्यादा बलगम हो गया है, तो ये सब के लिए जायफल बहुत फायदेमंद होता है। यदि बच्चों को इन सब प्रॉब्लम है तो आप दिन में इसका क्वांटिटी बढ़ा दे, 3 से 4 बार भी दे सकते हैं। इससे होगा क्या कि बच्चा का जो शरीर होता है, छोटे बच्चों का, वो गर्म रहेगा, गर्माहट शरीर में भरा रहेगा, तो सर्दी खांसी जुकाम से छुटकारा आसानी से पा सकता है, तो आप इसे आसानी से दे सकते हैं। तो जायफल आप चाहे तो जायफल को भून ले थोड़ी सी, आप तवे पर या कढ़ाई में भी भून सकते हैं, तो उसको अच्छी तरह से भून कर उसको आप अच्छी तरह से ग्राइंड भी कर दे, तो आप 1 ईयर से ज़्यादा का बच्चे हो गया है तो उससे आप ऐसे करके दे सकते हैं। क्योंकि छोटे बच्चों को आप ऐसे ग्राइंडिंग करके नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो नहीं खा पाएगा। यदि दे भी सकते हैं तो उसको ज़्यादा ग्राइंडिंग करना पड़ेगा आपको, और मधु में यानी कि शहद में आप उसको मिक्स कर ले थोड़ी सी, और उंगली के सहारे से आपको वो भी थोड़ी सी चटाना है, ज़्यादा नहीं। तो ऐसे करके आप बच्चों को जायफल दे सकते हैं। बच्चों के लिए जायफल सेहत के लिए काफ़ी अच्छा होता है, तो जायफल से कई बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है। खास करके यदि आप बच्चों को देते हैं तो सर्दी, जुकाम, नाक से पानी गिरना, बहुत सारी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा मिल सकता है। इसलिए बच्चों को प्रतिदिन ठंड के मौसम में, खास करके ठंड के मौसम में प्रतिदिन बच्चों को जायफल देना चाहिए। इससे बच्चों का सेहत काफ़ी अच्छा रहेगा और उससे कई बीमारियों से छुटकारा मिलेगा, यानी कि बच्चों को बीमारी होने की कम संभावना होती है और सर्दी खांसी होने की भी संभावना कम हो जाती है जायफल देने से। इसलिए बच्चों को जायफल देना बहुत ज़रूरी है।
तो फ्रेंड्स यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो भी न्यू वीडियो लाऊंगी वो आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलती हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।